बक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगा के टाल दियारा इलाके में अफीम की खेती की जा रही है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सोमारू डेरा में छापा मारा और फसल को नष्ट कर दिया। क्या स्थिति है सर, कैसे हुआ है, कितने एकड़ में हुआ है? कल लीगल प्रक्रिया फॉलो करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया था और उनके नेतृत्व में सीओ और वहाँ पे एसडीपीओ भी उपस्थित थे। वहाँ पे थाना प्रभारी और जो केस के आईओ हैं वे सभी उपस्थित थे। उन सबों के सामने प्रॉपर लीगल प्रक्रिया के तहत उसका डिस्ट्रॉय किया गया है। यह तकरीबन 16 से 17 एकड़ जमीन पर फैला हुआ था, यह खेती सभी को डिस्ट्रॉय कर लिया गया। क्या चिन्हित हो पाए हैं सर, किन लोगों द्वारा इस तरह की कार्रवाई? चिन्हित हो गए हैं और लगातार रेड की जा रही है। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं और बाकी की अरेस्टिंग की जा रही है। इंटरस्टेट गिरोह कहीं इसमें नहीं है सर, क्या जानकारी अब तक आई? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरस्टेट गिरोह की बात तो नहीं सामने आई है, लेकिन ये सूचना मिली थी कि सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे फसल उपजाए जाने का मामला आ रहा है, तो उसके लिए भी वहाँ के एसपी साहब से कांटेक्ट किया जा रहा है और अगर ऐसा होगा तो उस साइड भी कार्रवाई की जाएगी। इस कामयाबी के बाद पुलिस की टीम ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस को कब तक कामयाबी प्राप्त होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।